तो फ्री फायर के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग फ्री फायर खेलते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 10 तरह के फ्री फायर के प्लेयर्स के बारे में, अगर मैं सोच पाया तो। तो ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा मुद्दे की तरफ आते तो यार, हैं। ये जो पहले लोग होते हैं यार, वो ऐसे लोग होते हैं जो टीम अप पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ये जो बेसिकली रैंक पुश भी जो करते हैं ना, ये दूसरों के ऊपर रैंक पुश करते हैं। इन्हें खुद के ऊपर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये खुद चल के कोलिया भी उठा ले। नहीं, इनका बंदूक उठाने का भी मन नहीं करता। ये गेम के अंदर आते ही सीधा तलवार या कटाना उठाते हैं और उन्हें हिलाने लग जाते हैं अपोनेंट्स के सामने, और उम्मीद में कि टीम अप कर ही लेगा। नहीं, मुझे दुख तो तब होता है जब इनके मुंह पे हेडशॉट मारा जाता है और इनका जो टीम अप करने का मन होता है वो वहीं टूट जाता है। लेकिन यार गाइस, ये लोग भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हारना सीखा ही नहीं, कि अगली मैच में फिर उतरते हैं, फिर टीम अप करने की कोशिश करते हैं, और जब इनका टीम अप सक्सेसफुल हो जाता है ना, फिर यार गाइस 1+1=2 बेवकूफ होके मैच के अंदर ऐसी पंतियां करते हैं ना कि बड़े बड़े रैंक पुशर्स का सपना तोड़ देते हैं। तो यार गाइस, पहली कैटेगरी से हटते हुए आप जाते हैं हम अपनी सेकंड कैटेगरी की ओर। तो सेकंड कैटेगरी के अंदर यार गाइस वो लोग आते हैं जो बेसिकली लड़का होके लड़की बन के मैच के अंदर लड़कों का काटने आ जाते हैं। तो यार गाइस, मैं जानना चाहता हूँ कि या तो इन्हें लड़कियों की ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए ये उसे पहन के घूमते हैं, या फिर लड़कियों की ड्रेस पहन के ये लड़कों को दिखाना चाहते हैं कि लड़कियों की कमी नहीं है फ्री फायर के अंदर। नहीं, 2 मिनट यार गाइस, आज सारे जानवर एक साथ मेरी वीडियो के अंदर भोग लो। नहीं यार, मैं सुबह से वीडियो के लिए बनाने की सोच रहा था, तब मेरे घर के अंदर बहुत शांति थी। नहीं, अब मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ तो सारे जानवर एक साथ बोल रहे हैं वीडियो के अंदर। तो यार गाइस, कसम से बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करते हुए यार वीडियो पे फोकस करो। तो यार गाइस, हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि यार इन लड़कों के दिमाग में क्या चलता है जब ये लड़कियों की ड्रेस पहन के घूमते हैं। तो भैया यार, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो इन लड़कों को लड़कियों की ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद होती है, या फिर ये आप लोगों को जताना चाहते हैं कि गेम के अंदर लड़कियों की कमी नहीं है। आप कमेंट करके बताओ कि ऑप्शन ए ज़्यादा अच्छा है या ऑप्शन बी। बाकी आप बढ़ते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी की ओर। तो यार गाइस, ये है अपने अलग किस्म के लोग जो फ्री फायर को गाड़ी वाला गेम बना के गेम के मजे लेने लग जाते हैं। कसम से यार, बहुत वाहियात लगते हैं ये लोग भी। कसम से इनको शायद बचपन का इनका सपना होता है, या फिर इन्हें बचपन से गाड़ी वालों गेमों की लत लग जाती है। तो यार, ये फ्री फायर जैसे गेम को भी गाड़ी का गेम बना लेते हैं और कसम से गाड़ी चलाने लगे। तो यार, इन गाड़ी वाले लोगों की एक और खास बात है कि यार ये लोग ना नूब होते हुए भी अपने आप को प्रो समझ लेते हैं, गाड़ियों से लोगों को कुचल के। कसम से सलमान भाई भी शर्मा जाते होंगे, क्योंकि गाड़ियों से कुचलना तो सलमान भाई का ही काम है। नहीं, कसम से मैं कुछ भी बोल रहा हूँ यार, इग्नोर करो। तो यार, ये वाली कैटेगरी आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत, कसम से बहुत पसंदीदा कैटेगरी इसमें आती है मेरे ये। तो अब बढ़ते हैं यार अपनी चौथी कैटेगरी की ओर। तो यार, चौथी कैटेगरी के अंदर आते हैं यार किलचोर बंदे। ये यार एक कसम से बहुत खतरनाक लोग होते हैं यार। असली प्रो तो अपने किलचोर बंदे होते हैं, क्योंकि यार डैमेज तो बोट लोग भी देते हैं और असली किलचोर तो एक प्रो ही होता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। लेकिन कसम से यार, किलचोर लोगों के साथ जो होता है ना वो बहुत गलत होता है। जब ये बंदे किलचोर ही करते हैं ना, तो कसम से इनको टीममेट से भी गालियाँ सुननी पड़ती है, और जो बंदे को मारा यार वो तो अलग सुना के जाता है बंदे को। तो यार कसम से इनकी दोनों तरफ से बजाई जाती है। तो यार किलचोर बंदों को ना कसम से बहुत कह के लिया जाता है, और कसम से इनका तो नाम ही बदनाम है यार। कसम से आप लोगों के दोस्त भी आपको कहते होंगे कि तू किलचोर है बे, नहीं तो किलचोर है, किलचोरी करके मर। और कसम से आज मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ ज़्यादा ही बज रहा है, तो उसको कृपया करके इग्नोर को आगे, मतलब इग्नोर करके यार वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यार, ये तो अपनी थी चौथी कैटेगरी। अब आते हैं यार अपनी पांचवी कैटेगरी की ओर। तो यार, पांचवी कैटेगरी में आते हैं यार रैंक पुश करने वाले। हाँ तो भाई, आप सोच रहे होगे कि रैंक पुश करने में क्या बुराई है। नहीं नहीं भैया, बहुत बुराइयाँ हैं, क्योंकि यही बंदे यार हीरोइक पे पहुँच के आपके सामने बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लगते हैं, गेम के अंदर बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लगते हैं। नहीं, इनका काम ही बन जाता है फिर शो ऑफ करना। फिर ये ना रैंक पुश करने के बाद क्लासिक के अंदर आते हैं और क्लासिक के अंदर बच्चों को मारने लगते हैं। हम जैसे बच्चे यार गए जो क्लासिक के अंदर यार किल करके अपना दिल खुश कर लेते हैं, फिर ये बंदे यार क्लासिक के अंदर आके बच्चों के मारने लगते हैं। यार कसम से बहुत वाहियात लगते हैं यार ये लोग भी। तो कसम से रैंक पुश करने वालों बंदों की जो मैंने बजाई जाती है, जो उनकी लगती है, जो उनकी वॉट लगती है यार, मैंने अपने पिछली वीडियो में कवर किया है। तो भाई, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है यार, मेरे भाई चेक जरूर कर देना। बाकी यार, अगर आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो यार कसम से आप बहुत ज़्यादा लेजी किस्म के इंसान हो। तो भाई यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो अपनी अगली कैटेगरी है यार वो है अपने लेजी टाइप के बंदे। क्योंकि यार लेजी टाइप के बंदों की तो मैं जितनी बात करूँ यार उतनी कम है, क्योंकि ये गेम के अंदर आते ही है अपने लेजी ग्रीस शो करने के लिए। तो भाई यार, इन्हें प्लेन से उतरते यार कुछ भी नहीं सूझता, इन्हें सिर्फ एक बात सूझती है कि प्लेयरों के सामने हमें नहीं जाना। बस यार, इनके दिमाग में एक बात सेट होती है, अगर बाई चांस इन्हें फाइट होती हुई दिखती ही भी है ना, तो कसम से इनका मन भी नहीं करता गोली उठाने का, बंदूक उठाने का और अपोनेंट्स पर फायर करने का। इनका जो काम होता है वो होता है यार बगल से गाड़ी उठा के भाग लेना, दुम दबा के भाग लेना, या फिर एक कोना पकड़ के छुप के बैठ जाना वहाँ पे। और कसम से फिर ये अपनी नाड़ भी ऊपर नहीं करते जब फाइट हो जाती है तो, और फिर ये आते हैं बीच में किल चोरी करके बन जाते हैं हीरो वहाँ के।
तो भाई ये थी अपनी पांचवी कैटेगरी। अब आते हैं यार अपनी छठी कैटेगरी की ओर। तो छठी कैटेगरी के अंदर आते हैं यार अपने कैंपिंग वाले बंदे। कसम से जो कैंपिंग वाला वर्ड है यार, कसम से आज हम मुझे पता चल गया ये सिर्फ फ्री फायर प्लेयर्स के लिए मना है। क्योंकि यार 15 मिनट का 250 गेम प्ले होता है, उसके अंदर भी अगर तुम 15 मिनट कैंपिंग करके बर्बाद कर देते हो तो भाई तुमने कसम से घंटा कुछ उखाड़ लिया है। अगर तुम बाई चांस कैंपिंग करके रैंक पुश भी कर लेते हो ना, तो ऐसे रैंक पुश करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुमने अपना जो कीमती टाइम था, जो तुम्हें फ़ोन मिला था खेलने के लिए, वो टाइम तो तुमने बैठे बैठे बर्बाद कर दिया। हम जैसे बंदे यार जो प्लेयर्स पर मारने पर विश्वास रखते हैं यार, वो मौज लेते हैं प्लेयर को मार के। नहीं अगर हम मर भी जाते हैं तो हमें दुखी नहीं है, मतलब दुख नहीं होता है। और बाई चांस अगर एक कैंपिंग वाला बंदा कैंपिंग कर रहा है और फिर उसे मार दिया जाए ना, तो जो उसकी जलती है यार वो सिर्फ वही बंदा जानता है। तो यार अब आते हैं अपनी सातवीं कैटेगरी के अंदर। तो यार सातवीं कैटेगरी के अंदर कुछ अलग टाइप के बंदे आते हैं यार। वो बंदे कुछ अलग हट के खेलने आते हैं यार। ये बंदे कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ इस प्रकार होते हैं कि अगर इनके पास अच्छे कपड़े हैं या नहीं यार इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें खेलना होता है नूब वाले कपड़े पहन के। और यार ये नूब वाले कपड़े पहन के जब प्रो लोगों को मारते हैं ना, तो प्रो लोग भी सोचते होंगे कि हमने हमें नूब बंदा मार के चला गया। लेकिन भाई कोई दुनिया में ना इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि तुम ना नूब वाले कपड़े पहन के अगर किसी को मारोगे तो वो कुछ समझ ही ना पाए। क्योंकि दुनिया ने गांजा फूंक के तो बैठी है नहीं, उसके अंदर भी दिमाग है भाई यार, वो भी अपना दिमाग वाला सेंस चलाते हैं यार, समझा करो थोड़ा। और ये खटिया हरकतें, टुच्ची हरकतें यार करना बंद करो गेम के अंदर। तुम कसम से लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया का दिमाग ख़राब कर रहे हो। और यार मेरा दिमाग ख़राब कर चुके हैं मेरे पीछे वाले रूम के अंदर के जानवर। नहीं मैं कुछ भी बोल रहा हूँ यार, हटाओ कसम से। तो अब आते हैं अपनी अगली कैटेगरी और की ओर। मैं कैटेगरी भी भूल चुका हूँ कि मैं कितनी कैटेगरीज़ की बात कर चुका हूँ, क्योंकि फ्री फायर के अंदर जितनी कैटेगरीज़ की हम बात करें यार उतनी कैटेगरीज़ कम है। तो यार अब बात करते हैं ड्रॉप के भूखे लोगों के बारे में। यार एक कसम से ऐसे लोग होते हैं जब किसी का टीम मेट नॉक हो जाता है ना किसी की टीम में, तो ये बंदे ना छुप छुपा के बहाना मारने लग जाते हैं कि नहीं 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 भैया हम नहीं आ रहे, उधर फायरिंग हो रही है ये। और बाई चांस अगर आप किल कर देते हो ना, तो यही बंदे दौड़े चले भागे जाएंगे और उस ड्रॉप को ऐसे लूटने जाएंगे जैसे कि कुछ दरियाई घोड़ा भाग के जा रहा है। कसम से बड़े भुक्कड़ किस्म के लोग होते हैं ये ड्रॉप के, ऐसे ज़्यादा भुक्कड़ होते हैं कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका टीममेट मरा हुआ है या फिर अपोनेंट मरा हुआ है, इन्हें बस लूटने से मतलब होता है। तो अब बात करते हैं यार अपनी अगली कैटेगरी के बारे में। तो यार अगली कैटेगरी के अंदर आते हैं यार वो लोग। तो यार अब आते हैं यार ऐसे लोगों के बारे में जिनका नेट चला जाता है मैच के अंदर, एकदम से नेट चला जाता है। कसम से जब ये बोट लोगों को मार रहे होते हैं तब इनका नेट चलता है यार 99 kbps की स्पीड पे, और कसम से इनका नेट दौड़ रहा होता है और इनका नेट चला जाता है जैसे इनके सामने कोई प्लेयर आ जाता है या फिर इन्हें रिवाइव देता है होता है अपने टीम मेट को, तब इनका नेट एकदम से गायब हो जाता है। तो इनके नेट गायब होने की यार बात मुझे भी समझ नहीं आती कि इनका नेट सचमुच गायब होता है या फिर ये बहाने मारने लग जाते हैं। और अगर बाई चांस आप इन लोगों से ना AWM या कोई अच्छी गन मांग लो, तो भाई कसम से इनको तो सांप सूंघ जाता है या अपने माइक में भी बोलने लग जाते हैं, भाई यार मेरा नेट ही नहीं आ रहा, कसम से मेरा नेट बहुत ख़राब चल रहा है, मैं अपनी गन भी तुझे नहीं दे पा रहा। और कसम से यार ऐसे लोगों के लिए यार वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, बाकी यार चैनल पे जाने थे तो यार सब्सक्राइब करके जाना, ऐसी धांसू वीडियोस यार आपको देखने को मिलती रहेंगी।